पुराने समय की बात है, एक कविता नाम की लड़की थी जो अपने जीवन में हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसी समय बिजली चली जाती है। उसने घर में तलाश किया, उसको सिर्फ 4 दिए मिले। उसने उन 4 दियों को जला दिया। फिर वह अपनी चिंता में मगन होकर न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। तभी 4 दिए आपस में बातें करने लगे कि यह लड़की कितनी ज़्यादा परेशान है। उन्हीं में से एक दिए ने बोला कि परेशान तो मैं भी हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ, लेकिन मैं अब इस दुनिया को देखकर बहुत दुखी होता हूँ। चारों ओर लूट और मार, अहिंसा हो रही है, ऐसे में मुझे यहाँ रहने का मन नहीं करता। यह कहकर पहला दिया बुझ गया। दूसरा दीपक बोला कि मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, लेकिन आजकल स्वार्थ और नफरत ने मेरा स्थान ले लिया है। लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम भावना नहीं बची, अब यह सब मुझसे नहीं देखा जाता। यह कहकर दूसरा दीपक भी बुझ गया। तीसरा दीपक भी बहुत दुखी था। वह बोला, मैं विश्वास का दीपक, मुझे लगता है झूठ फरेब बेमानी ने मेरा वजूद खत्म कर दिया है, ऐसे में मेरा रहना मुश्किल होता जा रहा है। यह कहकर तीसरा दीपक भी बुझ गया। तीनों दीपक के बुझते ही कमरे में अंधेरा हो गया, जिससे कविता की आँख खुल गई। दीपक को बुझा हुआ देखकर कविता बोली कि मेरे जीवन में तो वैसे ही इतनी निराशा है और तुम अब मेरा साथ छोड़ रहे हो, ऐसे बीच में अंधेरा कर कैसे जा सकते हो तुम? तुम्हें तो अंत तक जलना था, लेकिन तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तब चौथा दीपक कविता की बात सुनकर कहता है, घबराओ नहीं, मैं हूँ आशा का दीपक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी लौ से बाकी सभी दियों को प्रकाशित कर सकती हो। यह सुनकर कविता का हौसला बढ़ गया और उसने आशा के दीपक के साथ शांति, विश्वास और प्रेम का दीपक फिर से प्रज्वलित कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि यह जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी यहाँ पे अंधेरा है तो कभी यहाँ उजाला है। जब भी आपका मन घबराए, मन अशांत हो, चिंताएं हो, किसी भी कारण से आपका विश्वास टूटता जाए, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता है, जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। शुक्रिया दोस्तों।